बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार, आज का जो ब्लॉग है दरोगे वाला चोर बाज़ार से मुतल्लिक है। तो कुछ लोग, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी चोर बाज़ार लाहौर पे, तो वो वीडियो पे मुझे तकरीबन जो ज़्यादातर कमेंट्स थे, दरोगे वाला चोर बाज़ार किस जगह पे है, हमें नहीं मिल रहा, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि आपको एक मुकम्मल वीडियो बना दें कि जिसमें अब चोर बाज़ार लाहौर की लोकेशन मैं आपको बताऊंगा और पूरा एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस होगा इस वीडियो में, जिससे आप आसानी से आप उस बाज़ार में पहुंच सकते हैं। लेकिन ये कुछ लोगों का मैं ज़रा क्या कहते हैं दिमाग से निकाल दूं, यार ये चोर बाज़ार नहीं है, ये एक सस्ता बाज़ार है, कंटेनर मार्केट है बेसिकली। और दूसरा ये है कि जो भी इस जगह पर विज़िट करे उससे रिक्वेस्ट है कि ख़ास तौर पे आप कॉस्मेटिक से रिलेटेड या कोई भी आप जो मतलब चीज़ें हैं, परफ्यूम वगैरह या कॉस्मेटिक जितनी भी आइटम है या कोई और भी जो चीज़ें हैं ज़रूरत की या खाने पीने की या ऐसी कोई चीज़ यूज़ करते हैं, तो आप और एक्सपायरी डेट लाजमी देख के लाया करें, क्योंकि कंटेनर मार्केट में आपको पता है क्योंकि काफ़ी जगह से माल आते हैं, तो आप बेसिकली आप उनकी डेट्स वगैरह लाजमी चेक करें, मैन्युफैक्चर डेट आप लाजमी चेक किया करें। तो चलें, हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं लाहौर चोर बाज़ार की लोकेशन कहाँ पे और किस जगह पे वाक़ है। तो मुकम्मल वीडियो होगी। तो यार गर्मी बहुत है अभी, चेक कर सकते हैं आप। तो ये है कि मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन चोर बाज़ार लाहौर। तो इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो ओके फ्रेंड्स, हम चलते हैं, आपको विज़िट करवाते हैं लाहौर दरोगे वाला चोर बाज़ार। सो फ्रेंड्स, अभी हम निकल रहे हैं दरोगे वाला चोर बाज़ार के लिए। तो आप चेक कर सकते हैं बाइक पे हम जा रहे हैं दरोगे वाला लाहौर चोर बाज़ार। तो बकाया आप धूप की बात करें तो धूप भी काफ़ी तेज़ है, लेकिन ये है कि आपको लेके जाना है चोर बाज़ार दरोगे वाला। तो चलिए हम निकलते हैं दरोगे वाला चोर बाज़ार के लिए, पूरी लोकेशन आपको आज इस वीडियो में दिखाएँगे। ओके फ्रेंड्स, अच्छा तो यार वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो वीडियो को आपने कम्प्लीट देखना है। तो उसमें ये होगा कि आपको कंप्लीट जो दरोगे वाला चोर बाज़ार है, जिसे लोग चोर बाज़ार कहते हैं, लेकिन ये एक सस्ती मार्केट है, कंटेनर, बेसिकली ये कंटेनर मार्केट है, और यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ आपको दरोगे वाला चोर बाज़ार के नाम से ये जाना जाता है। तो यहाँ पे हम आपको लेके जाएंगे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे आगे जाकर। अच्छा ये है कि मैंने मास्क नहीं पहना था, पहले मास्क लगा लूँ और मैं जाऊँगा यादगार वाली साइड से, जाऊँगा मीनार पाकिस्तान वाली साइड से जाऊंगा। तो ठीक है, बगैर चेक करवाता हूँ, आगे चलते हैं हम। तो अभी हम पहुँच चुके हैं आज़ादी इंटरचेंज मीनार पाकिस्तान। तो आगे लेके चलते हैं आपको किस जगह पे हमने जाना है, वहाँ पे आपको जाकर मुकम्मल लोकेशन और मुकम्मल एड्रेस इस वीडियो में स्किप नहीं करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपने, तो ताकि आप इजीली दरोगे वाला मार्केट में पहुँच सकें। दरोगे वाला से थोड़ी आगे आती है ये सलामतपुरा। तो ये है कि मैं आपको दिखाता रहूँगा, अभी हम ये चेक कर सकते हैं, आपने इधर से टर्न ले लेना है। तो ये है कि लारी अड्डे वाली साइड पे आपने टर्न ले लेना है, टर्न लेकर आपने ये यही रोड सीधा चलते जाना है, जैसे जैसे मैं लेके जा रहा हूँ आपको, तो स्किप नहीं करना आपने। सो अभी चेक कर सकते हैं हम लारी अड्डा लाहौर पहुँच चुके हैं, और अभी हम चलते जाएँगे और यही रोड पर हम चलते जाएँगे। तो ये है कि जैसे जैसे आप, मैं जा रहा हूँ वैसे ही आपने जाना है, बगैर स्टेशन वाली साइड से आपने कैसे जाना है वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो हम बेसिकली हम स्टेशन वाली साइड से जा रहे हैं, ताकि आपको इजीली कंप्लीट जो है, ये है कि सड़कें आज खाली हैं तो इजीली समझ भी आ जाएगी आपको, क्योंकि आम रूटीन में यही सड़कें बहुत रश होता है इन पर। तो ईद का 14 दिन है, और ये है कि मैं आपको आज लेके जा रहा हूँ, आज मार्केट ओपन है, और मार्केट जो ओपन का टाइम है वो है 9 से 5। तो 9 से 5 मार्केट का टाइम है, अगर आप जाना चाहें तो 9 से 5 आप विज़िट कर सकते हैं दरोगा वाला। जितनी मार्केट्स हैं लाहौर में या जितनी भी मतलब मार्केट्स हैं पाकिस्तान में, वो 9 से 5 टाइम है। तो आगे जाके क्या कोई चेंज होता है तो वो मैं अपडेट कर दूंगा। अभी हम ये शेरा वाले गेट पहुँच चुके हैं, तो अभी आगे जा रहे हैं, तो आपने ये रोड छोड़ना नहीं है, ये रोड्स पर ही चलना है। तो स्टेशन वाला रोड है ये, स्टेशन के साथ ये स्टेशन पहुंच के मैं आगे बताऊंगा आपने किस साइड पे जाना है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ लोग
शॉर्ट वीडियो भी दे देंगे, लेकिन ये है कि मैं आपको कंप्लीट रास्ता बताना चाह रहा था, तो ये है कि वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, लेकिन ये है कि वीडियो में आपको कंप्लीट एड्रेस समझ आ जाएगा या कंप्लीट लोकेशन समझ आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, चेक कर सकते हैं आप, ये स्टेशन वाली साइड से जा रहे हैं हम, तो इसकी बैक साइड पे भी है रास्ता, लेकिन ये है कि मैं आपको घुमा कर नहीं लेके जाना चाह रहा था, तो इजीली मैं आपको पहुँचाना चाह रहा हूँ उस जगह जहाँ हम जाना चाह रहे हैं। तो ये है कि अगर मैं अंदर वाली साइड से जाता वो आपको रास्ता समझ ना आता, तो ये मैं मेन रास्ते से लेके जा रहा हूँ आपको। तो अभी हम स्टेशन पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में, तकरीबन आधा किलोमीटर है यहाँ से स्टेशन पहुँचने वाले हैं। स्टेशन पहुँच के मैं आगे आपको बताता हूँ आपने किस साइड पे जाना है। सो फाइनली हम ये चेक कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन के स्टॉप के पास पहुँच चुके हुए हैं। अभी जैसे ही मुड़ेंगे तो रेलवे स्टेशन लाहौर, लाहौर का रेलवे स्टेशन जो है उधर पहुँच चुके हैं अभी हम। तो ये है लाहौर रेलवे स्टेशन, और आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं आपने किस साइड पे जाना है। आगे आपने मुड़ना नहीं है, ये रोड जो जा रहा है आपने जो अपने यही साइड पे जाते रहना जाना है, मुड़ना नहीं है आपने इस साइड पे, तो ये आपने रोड सीधा ही जाना है यहाँ से। तो बगैर आप देख रहे हैं ये जो गाड़ी जिस साइड पे जा रही है, इस साइड पे जाना है आपने सीधा ही। तो आगे मैं चलता हूँ, ये जो पुल है ऑरेंज लाइन का पुल देख रहे हैं आप, वैसे हमने इसके साथ साथ जाना है, लेकिन यहाँ से रास्ता नहीं है, हमें आगे से जाकर टर्न लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये है ऑरेंज लाइन ट्रेन का पुल, बेसिकली हमने इसके साथ साथ जाना है, तो ये है कि हमें आगे से टर्न लेकर आना पड़ेगा, तो फिर आगे से जाएंगे हम। चलें हम चलते हैं, ये रोड सीधा सीधा जाना है आपने, छोड़ना नहीं है ये रोड, तो आगे चलते हैं हम, आपको बताते हैं आपने कहाँ से टर्न लेना है। सो फ्रेंड्स, आप ये चेक कर सकते हैं, ये बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, तो शालामार बाग या यूटी वाली साइड पे जाना है, यूटी लाहौर जो यूनिवर्सिटी है और उस साइड पे हमें जाना है। चेक कर रहे हैं एरो का निशान, उसको फॉलो करते आपने जाना है, स्किप नहीं करना रास्ता ज़रा भी। तो ये जो है इस हम इस साइड पे मुड़ चुके हैं, तो ये गरिशो वाला पुल भी कहते हैं इसे मेरे ख्याल से, तो गरिशो वाला पुल है बिल्कुल वही है ये, तो उसके ऊपर से गुजर के हमने नीचे उतरना है, यूटी या शालामार बाग वाली साइड पे हमने जाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और इजीली आप इस जगह पे पहुँच जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो वो लाइक कर दें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो चेक कर रहे हैं, ये है गरीशो वाला पुल, तो ये क्रॉस करके हम आपको बताते हैं आगे आपने किस साइड पे जाना है। अच्छा, तो यार से बात ऐसी है कि यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाती हैं एड्रेस की, लेकिन ये है कि वो आपको शॉर्ट वीडियोस में मिलता है, एड्रेस कट कर आपको दिखाते हैं, मतलब कुछ वीडियो काट देते हैं और दिखाते हैं, आपको समझ नहीं आता मुकम्मल एड्रेस। तो ये है कि आपको इजीली मैं अगर आप मेरी वीडियो में आप देखोगे तो बिल्कुल आपको आराम से एड्रेस समझ आ जाएगा, तो आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी, आप इस जगह पे इजीली पहुंच सकते हैं। तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, ऑरेंज लाइन वाले पुल के करीब हम पहुंच चुके हैं, जो पीछे भी था लेकिन उधर से रास्ता नहीं था, यहाँ से हमें घूम कर आना पड़ा। तो यहाँ पे आप एरो को चेक करें हमने किस साइड पे जाना है, तो ये चेक कर सकते हैं, ये इस साइड पे हमने मुड़ना है, वो वाले रोड्स पर हमने जाना है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये ऑरेंज लाइन वाले पुल के साथ साथ हमने चलते जाना है, वगैरह मैं आपको बताता हूँ आगे आपने किस जगह से मुड़ना है और कहाँ पे रुकना है।
फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं, हम यूटी लाहौर पहुंच चुके हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लाहौर। तो ये है यूनिवर्सिटी लाहौर, ठीक है, यूटी लाहौर पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमने अभी 1 किलोमीटर के करीब हम या 1.5 किलोमीटर है यहाँ से शालामार बाग, शालामार बाग पहुँच के आगे बताता हूँ मैं आपने किस स्टॉप आगे कौन सा स्टॉप आएगा और कहाँ पे आपने जाके रुकना है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, थोड़ा सा रास्ता रह गया है, ये है कि आप इजीली पहुँच जाएंगे अगर आप इसको स्किप नहीं करेंगे तो। तो ये है कि मैं बार बार आपसे स्किप का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अगर स्किप कर दिए तो आपको रास्ता समझ नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे यार हमें लोकेशन की समझ नहीं आई। तो ये स्पेशल उन लोगों के लिए मैंने बनाई है जो मुझे हज़ारों कमेंट्स मतलब यही आ रहे थे कि यार हमें रास्ता समझ नहीं आ रहा, दरोगे वाला मार्केट किस जगह पे है, ये मार्केट चोर बाज़ार किस जगह पे है। तो ये बेसिकली वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है ताकि उनको ईज़िली ये लोकेशन समझ आ जाए। तो ये है कि अभी हम पहुंच चुके हैं, ये एक और स्टेशन है लेकिन इसका मुझे नाम नहीं पता क्योंकि बोर्ड्स नहीं लगा हुआ यहाँ पे कोई। तो ये है कि आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं और यहाँ पे चेक कर सकते हैं आज जो रश है वो बिल्कुल कम है क्योंकि जो है मार्केट वो खुल चुकी हैं, लेकिन ये है कि आज ईद का चौथा दिन है और रश की बात करें तो बहुत ही कम है। तो बकाया ये है कि रश के आने वाले दिनों में रश बढ़ जाएगा, लेकिन ये है कि अभी तो रश बिल्कुल कम है और जो टेम्परेचर था वो काफ़ी तेज़ था, आज 44-45 टेम्परेचर था आप लाहौर का। तो ये है कि गर्मी में मुझे आप लोगों के लिए आना पड़ा ताकि आप लोगों को बता सकूं कि मुझे कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी, तो मैंने कहा यार आपको जल्दी जल्दी इस जगह का बताऊं, आप इस जगह पे विज़िट कर सकते हैं। और जो लोग चाहें मैं उनसे दोबारा बोल रहा हूं कि यार मैंने शुरू में भी बताया कि अब एक्सपायरी डेट लाजमी चेक किया करें क्योंकि एक्सपायरी चीज़ होती हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत, क्योंकि अब क्योंकि कंटेनर्स का माल आता है वो कहाँ कहाँ से आता है आपको पता है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री से आता है ज़्यादातर। तो कुछ लोग कह रहे हैं यार ऐसी कोई मार्केट नहीं है, काफ़ी महंगी मार्केट है, यार वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जाके किलो के हिसाब से चीज़ें सेल होती हैं। तो अभी हम चेक कर सकते हैं ये दरोगे वाला बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, हमने दरोगे वाला वाली साइड पर जाना है, ठीक है। यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ था उस पे लिखा हुआ था दरोगे वाला, तो आपने उसको फॉलो करते जाना है, आपने ये रोड सीधा जाना है, आपने मुड़ना नहीं है, ठीक है। तो आपने ये पुल के साथ चलते जाना है, यहाँ शालीमार बाग के करीब पहुँच चुके हैं हम, तो शालीमार बाग था पीछे तो गुजर चुका हुआ है, बकाया आगे चलते हैं आपको दिखा। हम एक और स्टेशन के करीब पहुंच चुके हैं, ये इसका नाम है महमूद बूटी, तो ये महमूद बूटी के नाम से स्टेशन था। तो ये है कि अभी हम पहुंचने वाले हैं दरोगा वाला लाहौर स्टेशन के करीब पहुंच के, आपने एक और स्टेशन आएगा उसके बाद, तो आप देखते रहें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम दरोगा वाला स्टेशन पहुँच के आपको बताते हैं आगे आपने किस जगह पर जाके रुकना है। दरोगे वाला स्टेशन क्रॉस करके फिर आगे आएगा सलामतपुरा स्टेशन, वो अभी आया नहीं है, पहले आएगा दरोगे वाला स्टेशन। दरोगे वाला स्टेशन आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं वो सामने है, तकरीबन थोड़ा ही फासला रह चुका है।
तो ये है कि द्रोगे वाला से आगे तकरीबन 1.5 किलोमीटर सलामतपुर स्टेशन आता है, वो क्रॉस करके आपने फिर मैं आपको बताऊंगा आपने किस जगह पे जाकर रुकना है। तो ये चेक कर सकते हैं द्रोगे वाला स्टेशन, ये था द्रोगे वाला स्टेशन। ये द्रोगे वाला स्टेशन आपने क्रॉस कर लेना है और इसके बाद आएगा एक पेट्रोल पंप, ठीक है, और या सलामतपुरा स्टेशन आएगा जो 1.5 किलोमीटर के फासले पे आएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये रहा पेट्रोल पंप, सलामतपुरा स्टेशन भी कहा जाता है इसे, मतलब ये पेट्रोल पंप है अटक का। तो इसको आपने इसको निशानी के तौर पर याद रखना है कि इसके सामने आपने टर्न ले लेना है। आपने चेक कर सकते हैं यहाँ से हम टर्न ले रहे हैं, हम वन वे हो जाएंगे वो सामने वाली रोड्स पे। तो ये सलामतपुरा स्टेशन था, यहाँ पे आपने पहुँच के वो सामने जो अभी मेट्रो बैंक है उसके करीब चली जाना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे पहुँच के आपको, साथ ही मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने। तो मैं क्रॉस कर लूँ ताकि आपको मैं आगे बताता हूँ जाके क्या आपने कहाँ पे जाके रुकना है। सो चेक कर सकते हैं ये जो है पहुंच चुके हैं हम इस टाइम चोर बाजार लाहौर, जिसे दरोगे वाला मशीन मार्केट भी कहा जाता है। दरोगे वाला लाहौर जो है वहां पे पहुंच चुके हैं। ये था ऑरेंज लाइन पुल, इसके साथ साथ चलते आए हैं हम, इस टाइम पहुंच चुके हैं एटक का पेट्रोल पंप है, उसको आपने निशानी के तौर पे याद रखना है। सलामतपुरा लास्ट स्टेशन है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे हम कंटेनर मार्केट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मुख्तलिफ कंटेनर्स आपको नज़र आएंगे, ये चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये कंटेनर्स हैं, ये रहा कंटेनर मार्केट लाहौर। तो यहाँ पे आप चेक करें आवाम का रश है, लेकिन इतना नहीं है क्योंकि आज ईद का चौथा दिन है तो रश कम होगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 500 रुपये किलो के हिसाब से चीज़ें हैं सेल होती हैं, और ये लाड़ का माल भी होता है। अच्छा, तो फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच गया हूँ जिसे लोग चोर बाजार भी कहते हैं, लेकिन ये कंटेनर की बेसिकली ये कंटेनर मार्केट है। तो यहाँ पे कंटेनर्स का माल आता है। तो बकाया ये है कि हम आपको पूरी मार्केट का यहाँ पे विज़िट करवाते हैं। तो चलिए आपको पहले यहाँ पे जो एक दो कंटेनर मार्केट हैं वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे आप पीछे चेक कर सकते हैं। तो आइए पहले इस मार्केट का आपको विज़िट करवा दें, फिर आगे चलते हैं, आपको और मार्केट भी हैं यहाँ पे, वो भी दिखाते हैं। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी बड़ी तादाद में आवाम का रश है, और दूसरा ये है कि ये गोदाम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े गोदाम होते हैं। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ माल वगैरह चेक कर सकते हैं, पड़ा हुआ है काफ़ी बड़ी तादाद में। तो ये है कि लाट का माल होता है, ये चेक कर सकते हैं इम्पोर्टेंट कंटेनर लाट माल। और यहाँ पे आपको ऐसी जो बोर्ड्स पे चीज़ें लिखी हुई हैं हर एक चीज़ मिल जाएगी, ये चेक कर सकते हैं। एक और कमरा है, मतलब एक गोदाम है, इसके अंदर भी लेके चलते हैं आपको, यहाँ पे भी लाट का ही माल है। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में लाट का माल पड़ा हुआ है, जो कंटेनर का माल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको हर एक कंटेनर से रिलेटेड चीज़ मिल जाएगी, जिसे आप चोर बाज़ार कहते हो, वो एक चोर बाज़ार नहीं, एक कंटेनर मार्केट है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये पूरी एक मार्केट है, कुछ मार्केट है यहाँ पे बंद भी होंगी क्योंकि इसका आज चौथा दिन है, तो कुछ मार्केटें बंद होगी, लेकिन ये कि मैं जितना हो सके आपको विज़िट करवाता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये भी गोदाम है एक, यहाँ पे भी मशीनरीज वगैरह भी हैं, ये बेसिकली मशीनरी मार्केट्स के नाम से भी जाना था। ये भी एक गोदाम है, ये बंद पड़ा हुआ है क्योंकि अभी ईद का चौथा दिन है तो रश नहीं है इतना यहाँ पे, वैसे ही आम रूटीन में यहाँ पे बहुत रश होता है। तो ये है कि आप चेक कर सकते हैं, ये भी दुकानें हैं छोटी छोटी। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको और भी दिखाते हैं। तो ये है कंटेनर मार्केट लाहौर, आप चेक कर सकते हैं, ये भी एक मार्केट है, यहाँ पे भी बंद पड़ी हुई है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये भी माल लगा हुआ है, ये भी कंटेनर के नाम से जाना जाता है, वो सब चेक कर सकते हैं। सामने एक और स्टोर है, ये भी मार्केट है पूरी, चेक कर सकते हैं आप पूरा। तो गोदाम है एक पूरा, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, एक और गोदाम है, ऐसे ऐसे मतलब हर जगह यहाँ पे आपको मुख्तलिफ गोदाम देखने को मिल जाएंगे, चेक कर सकते हैं आपको। अब आपको यहाँ पे हर ज़रूरत की हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो नहीं उम्मीद नहीं करता हूँ आपको एड्रेस भी समझ आ गया होगा, और लोकेशन आपको इजीली इस जगह पे पहुँच सकते हैं आप। तो यहाँ पे एक और गोदाम है, चेक करें। तो
सो फ्रेंड्स, ये थी कंटेनर मार्केट। कोई चोर बाज़ार नहीं है, ये एक चोर बाज़ार के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये एक कंटेनर मार्केट है। कंटेनर्स का माल आता है यहाँ पे। मुख्तलिफ शॉप्स बंद पड़ी हुई हैं क्योंकि ईद का चौथा दिन है। जैसे ही मतलब ओपन हो जाएगा, लॉकडाउन भी चल रहा है, तो पाँच टाइम जो है मैंने आपको बता दिया होगा, 9 से 5 बजे का टाइम है, तो उस टाइम ही आना है आपने। उम्मीद करता हूँ मैं आपको रास्ता समझ आ गया होगा कंटेनर मार्केट लाहौर दरोगे वाला का। तो ये है कि आप अगर आना चाहें तो इस वीडियो को फॉलो करते आप इस जगह पे पहुँच सकते हैं इजीली। तो बकाया ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लेना।